लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। ये इसलिए भी खास है कि वर्तमान समय में बसपा को एक ऐसे युवा चेहरे की आवश्यकता है जो जमीन पर उतरकर बसपा के परंपरागत वोट बैंक को फिर से जोड़ सके और पार्टी के समर्थकों में ऊर्जा ला सके। आकाश आनंद राजस्थान में सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं और पार्टी वर्कर्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आकाश ने राजस्थान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा भी शुरू की जो राजस्थान के 150 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इसे बहुजन अधिकार यात्रा भी नाम दिया गया है। मायावती ने आनंद को चार राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी। आकाश ने राज्यों में अगर बसपा को कुछ सीटें दिलाने में कामयाब होते हैं और युवाओं को जोड़ने में सफल होते हैं तो वे संकट के दौर से गुजर रही बसपा के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरेंगे। अगर इन चार राज्यों की बसपा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में एमपी में बसपा को 2 सीटें, राजस्थान में 6 सीटें, छत्तीसगढ़ में 2 और मिजोरम में 1 सीट पर जीत मिली थी। तेलंगाना में पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई, जबकि 2013 में तेलंगाना में बसपा ने 2 सीटें जीती थी। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में जो 6 विधायक बसपा से चुनकर आए हैं वे सारे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पिछले दिनों आकाश आनंद ने इन विधायकों के लिए कहा था कि जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं उन्हें पार्टी दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी डिजिटलाइजेशन की काफी समय बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि बसपा सुप्रीमो का मानना था कि बसपा का परंपरागत वोटर की सोशल मीडिया पर पहुंच नहीं है, लेकिन समय बदला, नजरिया बदला और खुद बहन जी को सोशल मीडिया पर आना पड़ा। मोबाइल क्रांति, सस्ते इंटरनेट के जमाने में गाँव तक सोशल मीडिया की पहुँच हो गयी और तो बसपा का परंपरागत वोटर इसलिए अछूता नहीं रहा। इसलिए अक्टूबर 2018 में मायावती ने ट्विटर ज्वाइन किया। इसके पीछे की वजह आकाश आनंद को बताया जा रहा है क्योंकि 2017 में आकाश की राजनीति में आने के बाद उन्होंने इस विषय को मॉनिटर किया और सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा उसकी विचारधारा से जुड़े अन्य लोगों को जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य भी किया है। आकाश आनंद बसपा की राजनीति को सोशल मीडिया पर धार धार तरीके से रखते आ रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।